लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना सर, आप एक बार टाइम दोगे तो लोग अपने जो काम का सिस्टम है टाइम सेटिंग करेंगे। आपका मनमर्जी थोड़ी चल रही है कि आपने बोल दिया मैंने शाम में ज्यादा ले लिया दोपहर में, नहीं आप एक टाइम दे दो तो लोगों की एक मानसिकता हो जाएगी कि अगर कोई तकलीफ भी है लोड शेडिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो लोग अपना टाइम, काम का टाइम, स्कूल के बच्चे लोग पढ़ने का टाइम, मस्ती का टाइम, पानी का टाइम नवरात्री का जो टाइम है छोटी का टाइम है उसमें लोड शेडिंग दीजिए पब्लिक ला हमें काय सांगणार लोड लोड मुमरा कौसा के सारे हमारे नगर सेवक आज एमएससीबी के वरिष्ठ अधिकारी हुंडेकरी साहब को हम मिलने आए थे। पिछले तीन दिनों से मुमरा का आम आदमी एमएससीबी के 17-18 घंटे के लोड शेडिंग की वजह से त्रस्त है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में लोड शेडिंग इस नाकारा भाजपा शिवसेना सरकार की वजह से आ रही है। इस सरकार ने जो बताया था कि हम लोड शेडिंग मुक्त महाराष्ट्र करेंगे, लगभग महाराष्ट्र के हर एक हिस्से में लोड शेडिंग है। मुमरा में 6-7 घंटे की लोड शेडिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर 10-12 घंटा मतलब 17-18 घंटा तक इलेक्ट्रिसिटी मुमरा कौसा में नहीं है, इसका आज हम निषेध करने आए थे। हमने प्रमुख 3-4 मांगे हुंडेगरी साहब को हमने कही है कि 7 घंटा अगर लोड शेडिंग है तो इसके ऊपर 1 सेकंड भी लाइट मुमरा में जाना नहीं चाहिए, यह हमारी सबसे पहली मांग थी। लोड शेडिंग का जो शेड्यूल चाहे ई हो, एफ जोन हो, G1 हो, G2 हो, जिस एरिया में जिस वक्त लाइट जाएगी वो फ्लेक्स के माध्यम से पूरे मुमरा कौसा में एमएससीबी को फ्लेक्स लगाने चाहिए, क्योंकि सारा दोष नहीं तो लोक प्रतिनिधियों पे आता है। लोग फ़ोन करके नगर सेवक हमारे हैं क्योंकि कार्यकर्ता लोगों के बीच रहते, सबसे पहला फ़ोन हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। इसलिए जो शेड्यूल लोड शेडिंग का आया है वो प्रेस के माध्यम से, मैं खास करके मुमरा की प्रेस से भी मदद मांगूँगा कि वो शेड्यूल मुमरा में व्हाट्सएप हो चाहे आपके चैनल हो वो सबको आप बता दीजिए। इस लोड शेड्यूल के अलावा 1 सेकंड भी लाइट नहीं जानी चाहिए। अगर ऑपरेटिव लॉसेस की वजह से या ऑपरेटिव कुछ काम की वजह से लोड शेडिंग में काम जाता है तो वो शेड्यूल में से घटाना चाहिए। अगर 2 घंटा कहीं काम केबल फॉल्ट हो गया, कुछ जल गया, ट्रांसफार्मर बिगड़ गया, 2 घंटा उस एरिया में लाइट गई तो वो लोड शेडिंग में से उनको कट करनी चाहिए, हमने उनको कहा। नवरात्रि का त्यौहार आया है करके शाम को 7:30 से 10 के बीच में कहीं पे भी लोड शेडिंग न हो, और पानी का जो सप्लाई है उसका शेड्यूल देख के उस हिसाब से, क्योंकि अगर लाइट ही नहीं रहेगा जब पानी आएगा तो हाई राइज बिल्डिंग है, 4th माला 5वें माले पे पानी जाएगा कैसे, मेरी माताओं को और बहनों को बहुत तकलीफ़ होगी। तो लोड शेडिंग MIDC का और TMC का पानी का शेड्यूल देख के किया जाए, ये हमने मांग हमने रखी है। और 5000 मीटरों की शॉर्टेज है, ये खुद हुंडेकरी साहब ने कहा, लोगों ने पैसे भरे मीटर लगाओ पर
मीटर ये दे नहीं सक रहे हैं, इनके पास मटेरियल की शॉर्टेज है, इसके लिए मुमरा हमेशा बदनाम होता है। हालांकि मुमरा के आवाम की मानसिकता बदल गई है, लोग बिल भर रहे हैं, लेकिन इनके पास वो यंत्रणा न होने के कारण मुमरा बदनाम हो रहा है। इन्होंने अगर जल्द से जल्द इनकी कार्य पद्धति नहीं बदली तो हमने तो कहा हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोगों में के साथ रहेंगे। 7 घंटे अगर बिजली कटौती MSEB की महाराष्ट्र की वजह से हो रही है, उसके ऊपर 1 सेकंड भी हमें लोड शेडिंग मंजूर नहीं है। अच्छा, आएंगे ये शेड्यूल पूरा वर्किंग करके 2 दिनों में हम फिर से उनको जाब पूछने आएंगे कि उन्होंने क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। अगर नहीं कुछ एक्शन इन्होंने लिया तो हम आंदोलन करने पर मजबूर रहेंगे। नगर सेवक जफर नुमा ने कंप्लेंट की गुलाब पार्क में जो हॉकर्स है 200 लीगल है, 2000 इलीगल है, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में कहीं इलीगल कनेक्शन है, अगर वो बोलेंगे मेरे पास स्टाफ नहीं कुछ नहीं, तो जो मुमरा का ईमानदार बिजली यूज़ करता है, बिल भरता है, वो भुगत रहा है। नहीं, मुमरा स्टेशन भी जहाँ जहाँ कमर है ना, कि पिछले 3 दिनों में इन्होंने कहा कि लोड शेडिंग है। जब लोड शेडिंग का इन्होंने कहा कि लोड शेडिंग है, तो हमने सोचा कि बोले महाराष्ट्र में लाइट की पानी की तकलीफ, जो पानी 2 महीने में जो काम आई बारिश, उसकी वजह से अचानक में इमरजेंसी लोड शेडिंग करना पड़ी। ठीक है, तो ठीक है, हमने बोला कितने घंटे, तो बोले इन्होंने बोला बस 5-5.5 घंटे है। तो हमने बोला ठीक है, पूरे महाराष्ट्र में, इनका जवाब ये था पूरे महाराष्ट्र में, खाली मुमरा में नहीं। लेकिन कल से हम देख रहे कि वो 5.5 घंटा लाइट नहीं जा रही है, 18 घंटे लाइट जा रही है। अमृत नगर, मुमरा स्टेशन, शील विभाग, ऐसा 18-18 घंटे लाइट जा रही है। जब लाइट 18 घंटे जाने लगी तो लोगों का फ़ोन आने लगा कि भाई ये क्या है, सेमेस्टर पेपर है बच्चों के, पेशेंट घरों में, पानी नहीं आ रहा है, लोग परेशान है, रात भर सो नहीं पा रहे, तो आप ये क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने तुरंत सभी नगर सेवकों ने डिसीजन लिया कि यहाँ आ जाएगा। हमने पार्टी अध्यक्ष हमारे आनंद परांजपे के साथ मिलकर, हमारे आमदार सबसे बैठ के बात करके यहाँ पे हम लोग तुरंत यहाँ पे मीटिंग लगाए, और हमने सभी अधिकारियों को बुलाया गया कि हम सुने तो कि क्या बोलना है इनका ऐसा। हमने इनको ये कहा कि आपने कहा कि 6-6.5 घंटा लोड शेडिंग है, ठीक है 6.5 घंटा लोड शेडिंग है, उसके बाद आप लोड शेडिंग करते तो क्या है। तो इन्होंने कहा कि कोई फीडर वगैरह पूरा जाएगा, पूरा फीडर बन जाएगा, पूरा केबल ब्लास्ट होगा, ट्रांसफार्मर अगर ब्लास्ट होगा, तो हम वो लोड शेडिंग नहीं करेंगे। तो हमने कहा लोड शेडिंग नहीं करेंगे, नहीं, आपने जो 6 घंटे का लोड शेडिंग हमको कर रहे उसमें आप वो माइनस करो, प्लस। तो एक हमको भी ऐसा लगता है कि ये नहीं करेंगे, इन लोग खाली बातें करते, लेकिन अगर हमारी यही यहाँ पे इनको हमने इनको चेतावनी दी कि आपने 6 घंटे के अलावा लोड शेडिंग के अलावा लाइट गई और आपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया, एक दूसरा इनका एक भी ये भी कहना है कि हमने बोला हम ये कैटेगरी में क्यों हैं, तो बोले लोग बिल नहीं भरते। तो मैंने इनको ये कहा कि हम तो बिल भरने तैयार है, आपको मेरे पास कितनी 1000 पावती ऐसी है जो आप उनको मीटर ही नहीं दे रहे। तो इन्होंने कहा कि 5000 लोग मुमरा के कंज्यूमरों ने हमको पैसा भरा है, लेकिन हम पावती उनके पास है, हम उनको मीटर नहीं दे पा रहे। पूरे महाराष्ट्र में 1 लाख लोगों को हम मीटर नहीं दे पा रहे, तो ये कसूर हमारा नहीं है, इसके फेलियर आप है, बिजली विभाग मीटर ही नहीं दे पा रहे। और कई जगह पे तो आप 1800 रुपये बिल आना चाहिए मंथली, आप उनको 25,000-50,000 बिल भर रहे, वो बेचारे बिल कैसे भरेंगे। मुमरा कौसा के कई कमर्शियल इलाके में इन लीगल चोरी की बिल ऑपरे लाइट ऑपरे जा रही है, आप उन पर कार्रवाई करो। इनका ये कहना है कि जिनके पास पावती है हम उनकी लाइट नहीं काटेंगे, तो मतलब 5000 लोगों को आप सप्लाई तो दे रहे लेकिन बिलिंग नहीं है और लाइट वापर रहे, तो आप यहाँ पे दिखा रहे उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जो उनकी कलेक्शन है वो 5000 लोगों की कम से कम 1.5 करोड़ रुपये होती है, वो हम आप ले नहीं ले पा रहे, क्योंकि जब तक आप उनको बिल नहीं भरोगे, आप उनको मीटर नहीं दोगे, तो वो पैसा कलेक्शन नहीं होगा। मतलब 1.5 करोड़ रुपये तो आपकी जो तुरंत की जो आपकी जो सिस्टम है उसके नकारे की वजह से 1.5 करोड़ रुपये मंथली लॉस हो रहा है MSEDCL का, उसका भुगतान शहर के आम लोग भर रहे और गाली नगर सेवक MLA कार्यकर्ता खा रहे, उसकी ये क्यों। और हम गाली खाने भी तैयार है, लेकिन जो जनता है वो परेशान है, 18-18 घंटे लाइट नहीं है। इसी अच्छा, लोगों को कि हमारी सरकार थी तो हमने आपको फंड भी ला के दी और लोड शेडिंग मुक्त किया ना, जीरो था ना इस शहर में। आप मालूम कर सकते कि चाहे 6 महीना हो, 2 साल हो, 1 साल हो, शहर को 24 घंटा लाइट मिली ना। अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई है, ये गर्मी शुरू नहीं हुई है, सर्दी है, बारिश अभी जाके टाइम नहीं हुआ है, और आपकी गवर्नमेंट आने के बाद आप तुरंत बोलते हैं कि हम लाइट खरीद नहीं पा रहे, लाइट पैदा नहीं हो पा रही, बारिश की समस्या है। हमने एक अधिकारी अच्छा काम करता है, जब लोग बोलते हैं कि एक अच्छा अधिकारी काम करता है, तो हम उसको लाने की कोशिश करते हैं कि भाई एक अच्छा आदमी
आएगा अधिकारी तो शहर को ये जो तकलीफ हो रही उससे मुक्त करेगा। लेकिन अगर वो भी आज डायरेक्ट वो बोल रहा है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, आपने खुद सुने के वो तो आपको ये भी बोल रहा है कि मैं इंटरव्यू भी नहीं दे सकता हूँ, तो भाई आप कुछ काम ही नहीं कर सकते, तो ये आपकी गलती है और आप यहाँ से चले जाइए। फिर आपको अगर हमने उम्मीद से लाए, हम ये लायक आपको उम्मीद किसी ने इसीलिए कि आप शहर में जो तकलीफ है वो आप दूर कर पाएंगे। दूसरी बात, हमने कैंप लगाया, हमने लोगों के बिल दुरुस्त किए, इसी वजह से मुमरा के अंदर उत्पादन बढ़ा है। ये एमएससी इनके खुद बोलना है कि आज मुमरा के लोग बिल भर रहे आप, लेकिन ये नए कंज्यूमर लोग जो 5000 लोग का मीटर का पैसा दिए और आप उनको मीटर नहीं दे पा रहे, तो वो बोलते हो मेरे हाथ में नहीं, तो किसके हाथ में, कौन मीटर देगा, उसकी जवाबदारी कोई तो लेना चाहिए। तो यही सिस्टम फेलियर है, हमारी लड़ाई सिस्टम से चल रही। और मैं आपको बता दूं, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी शिवसेना हो चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस की हो, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब हमने जेल भरो आंदोलन किया था, 2 दिन जेल में रहे, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ अजीत दादा थे, उनके हाथ में लाइट का विभाग था, तब हमने रास्ते पे उतर के किया। तो हम जब हमारी सरकार के खिलाफ कर सकते हैं, तो बीजेपी शिवसेना के खिलाफ हमने कर इनको चेतावनी दे चुके कि अगर लोगों को 5.5-6 घंटे के अलावा भी लोगों को लाइट जाएगी तो हम मुमरा सभी नगर सेवक माननीय डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, आनंद परांजपे साहब, शमीम खान साहब भाई साहब के मार्गदर्शन में हर जगह पे जेल भलो आंदोलन करेंगे, साथ ही वो भी करेंगे। और साथ ही में अब हमारे सर से पानी ऊपर हो चुका है, कंज्यूमर को आप लाइट नहीं दे सकते तो कंज्यूमर पूरा शहर मुमरा का आपको पेमेंट नहीं करेगा। सकते आप कंज्यूमर को सेवा नहीं दे सकते तो आपको बिल लेने का भी अधिकार नहीं है, आप फेलियर है। आपको जनता को जवाब देना चाहिए, आप जनता को जवाब नहीं दे पा रहे, यहाँ तक कि आपकी मीडिया को बोल नहीं पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? तो आम नागरिक तक बात कैसे पहुँचेगी कि आप गवर्नमेंट की, आपकी गवर्नमेंट की वजह से प्रॉब्लम है? तो इसी भर में बारिश कुछ भी नहीं है, उधर पानी कम है डैम में, और वो जो पानी का यूटिलाइजेशन है वो पीने के लिए करना है, जनरेशन के लिए किया तो अप्रैल में पानी ज़रा कम होएगा और पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा अपने को। दूसरा क्या होगा, थर्मल का जो है कोयला का भी प्रॉब्लम है और पानी का भी प्रॉब्लम है, उसके लिए थोड़ा जनरेशन उधर से भी कम है, उसके लिए शॉर्टेज है, टेम्पररी शॉर्टेज है, उसके लिए ये लोड शेडिंग हो रहा है अपने इधर G1, G2, G3 में हो रहा है। मीन्स मुमरा का जो अपन कंसिडर करेंगे तो सागर फीडर, संजय नगर फीडर और शरीफा फीडर इसमें हो रहा है, बाकी जो फीडर है ENF में वो जो भरते हैं, इधर जो है चोरी का प्रमाण ज़्यादा है, बिल भरने का कम है, इसीलिए वो G1, G2 में जाते हैं और उसका लोड शेडिंग होता है। लोगों ने भी पैसा भरना चाहिए, ये कम होएगा और ये टेम्पररी है।